नमस्कार किसान भाइयों, मेरा मकान बरखन है। आपके अपने चैनल रमकान एग्री फार्म में सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, मेरा मकान बरखन है। आज आपको बताऊंगा देश की चुनिंदा मंडी और उत्तर प्रदेश की कुछ खास मंडियों में आलू का क्या भाव रहा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर ले फारुखाबाद की। यहाँ पर हमें 1350 रुपये प्रति क्विंटल तक आलू देखने को मिला। वहीं आगरा की बात कर ले किसान भाई, तो आगरा में हमें 1325 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला। वहीं हम बात कर ले किसान भाई कन्नौज की, जहाँ पर आलू खुरेपी 3797 का भाव रहा, 1315 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं हम बात कर ले किसान भाई आगे चल के आलू मध्यम की, जो मुरादाबाद में आलू मध्यम का भाव रहा 970 रुपये प्रति क्विंटल। रामपुर की बात कर ले किसान भाई, 1980 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला। वहीं हम प्रतापगढ़ की बात कर ले, 1970 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला। वहीं हम वाराणसी की बात कर ले किसान भाई हो, तो 1000 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला। वहीं जागीराबाद की बात कर ले किसान भाई हो, तो यहाँ 975 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला। वहीं आलू मध्यम क्वालिटी की बात कर ले किसान भाई फारुदाबाद में, तो 980 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला। ऊँची मंडी की बात कर ले किसान भाई, 980 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सहारनपुर की बात कर ले किसान भाई, 975 रुपये प्रति क्विंटल रहा। और वहीं हम कानपुर की बात कर ले किसान भाई, 980 रुपये प्रति क्विंटल रहा। औरैया की बात कर ले, 975 रुपये प्रति क्विंटल। बिजनौर की बात कर ले किसान भाई, 980 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं हम गाजियाबाद की बात कर ले किसान भाई, तो गाजियाबाद में 1975 रुपये प्रति क्विंटल आलू देखने को मिला। जालाबाद की बात कर ले किसान भाई, 960 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं हम बात कर ले मेरठ की किसान भाई, 965 रुपये प्रति क्विंटल। सिकोवाबाद की बात कर ले किसान भाई, 960 रुपये प्रति क्विंटल। इलाहाबाद की बात करें मध्यम आलू की, 960 रुपये प्रति क्विंटल। किसान भाइयों, आगे बात कर ले हम बारा बकरी की, किसान भाई यहाँ पर हमें 970 रुपये प्रति क्विंटल। हापुड़ की बात कर ले किसान भाई, 955 रुपये प्रति क्विंटल। जसवंतर की बात कर ले किसान भाई, 960 रुपये प्रति क्विंटल। देवरिया की बात कर ले किसान भाई, 950 रुपये प्रति क्विंटल। चंदौली की बात कर ले, 950 रुपये प्रति क्विंटल। ललितपुर की बात कर ले, 970 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं सिरागंज की बात कर ले किसान भाई, 955 रुपये प्रति क्विंटल। हाथरस की बात कर ले किसान भाई, 960 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं हम बात कर ले आजमगढ़ की, 950 रुपये प्रति क्विंटल। समाली की बात कर ले किसान भाई, तो 965 रुपये प्रति क्विंटल। बुलंदशहर की बात करें, 955 रुपये प्रति क्विंटल आलू देखने को मिला। साथ ही किसान भाई बात कर ले हम महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की काठमी में रहा किसान आलू देसी का भाव 1400 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं मोर्सी में आलू देसी का भाव रहा 1225 रुपये प्रति क्विंटल। अमरावती में रहा 1225 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं हम बात कर ले आलू देसी नागपुर में 1225 रुपये प्रति क्विंटल। औरंगाबाद की बात कर ले किसान भाई, 1100 रुपये प्रति क्विंटल। सोलापुर की बात कर ले किसान भाई, 1200 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं आलू देसी की बात कर ले किसान भाई, सोलापुर में 1175 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं आलू हाइब्रिड की बात कर ले जलगाँव में किसान 1100 रुपये प्रति क्विंटल। आलू मध्यम की बात कर ले जलगाँव में किसान भाई, 1000 रुपये प्रति क्विंटल। नासिक की बात कर ले किसान भाई, आलू जो मध्यम रहा वो रहा 900 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं पुणे की बात कर ले किसान भाई, 1200 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं श्रीरामपुर की बात कर ले किसान भाई, 1200 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं हम बात कर ले किसान भाई संग्राली की, तो किसान भाई यहाँ पर मध्यम आलू का भाव रहा 1400 रुपये प्रति क्विंटल। आगे चल के बात कर ले चंद्रपुरा की, किसान भाई 1100 रुपये प्रति क्विंटल तक हमें आलू देखने को मिला। आगे चल के बात कर ले किसान भाई हम गुजरात की, तो गुजरात में हमें आलू का भाव देखने को मिला अहमदाबाद में 1300 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं आलू देसी आलू चिप्सोना रहा किसान भाई 1300 रुपये प्रति क्विंटल। अहमदाबाद में आलू देसी का भाव रहा 850 रुपये प्रति क्विंटल। आलू मध्यम बिलीमोरा में रहा किसान भाई 1300 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं हम बात कर ले किसान भाई गोंडला की, गोंडला में 1400 रुपये के जी, मतलब 1400 रुपये प्रति क्विंटल तक हमें देखने को मिला। वहीं हम राजकोट की बात करें किसान भाई, 1600 रुपये प्रति क्विंटल तक हमें देखने को मिला। वहीं हम आगे बात करें राजकोट में देसी आलू की, हमें 1000 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला। वहीं आलू मध्यम की बात कर लें दाऊ में, जो सब्जी बाजार में, तो किसान भाई 1300 रुपये प्रति क्विंटल तक हमें देखने को मिला। बात कर ले किसान भाई हम छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में रहा 1400 रुपये प्रति क्विंटल। नंदागांव में रहा किसान भाई 1200 रुपये प्रति क्विंटल। त्रिपुरा में रहा किसान भाई 1200 रुपये प्रति क्विंटल। तो किसान भाई छत्तीसगढ़ के बाद में बात कर ले किसान भाई हम झारखंड की, तो झारखंड में रांची में आलू हाइब्रिड का भाव रहा 1385। वहीं आलू खुरपी का भाव रहा किसान भाई ज्योति धनबाद में 1290 रुपये प्रति क्विंटल। गुलमा में रहा किसान भाई आलू देसी 1290 रुपये प्रति क्विंटल। रामगढ़ में रहा आलू खुरपी ज्योति 1275 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं कराची की बात कर ले किसान भाई, तो रांची में रहा आलू खुरपी ज्योति हमें 1290 रुपये प्रति क्विंटल। आगे चल के बात कर ले किसान भाई हम उत्तराखंड की, तो किसान भाई उत्तराखंड में हमें आलू का भाव देखने को मिला ऋषिकेश में 750 रुपये प्रति क्विंटल। हरिद्वार यूनियन में रहा किसान भाई 700 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं हम बात कर ले किसान भाई सीतरगंज की, किसान भाई 1000 रुपये प्रति क्विंटल। और खटीमा की बात कर ले किसान भाई 550 रुपये बैग। तो किसान भाई उसके बाद में हम आगे बात कर ले
मध्य प्रदेश के किसान भाई, तो मध्य प्रदेश में हमें मंदसौर में देखने को मिला 900 रुपये प्रति कुंटल, सवेरा में रहा किसान भाई 850 रुपये प्रति कुंटल, इंदौर में 800 रुपये प्रति कुंटल। वहीं आलू मध्यम गुना में रहा किसान भाई 1310 रुपये प्रति कुंटल, और आलू मध्यम शिवपुरी में रहा 900 रुपये प्रति कुंटल। आलू देवास मध्यम की बात करें किसान भाई 500 रुपये प्रति कुंटल, और धार की बात करें 900 रुपये प्रति कुंटल। वहीं नरसिंहगढ़ की बात करें किसान भाई 350 रुपये प्रति कुंटल हमें आलू देखने को मिला किसान भाई। उसके बाद हम बात कर लें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में गुना में रहा किसान भाई वो 310 प्रति बैग के हिसाब से रहा, पैकेट के हिसाब से रहा किसान भाई वो। आलू मध्यम की बात करें शिवपुरी में 900 रुपये प्रति कुंटल, आलू मध्यम देवास की बात कर ले किसान भाई वो, तो देवास में रहा हमें, देवास की बात कर ले किसान भाई, देवास में हमें आलू देखने को मिला 500 रुपये पर बैग किसान भाई। उसके बाद में हम बात करते हैं हरियाणा की, तो किसान भाई हरियाणा में हमें धनसेर में देखने को मिला 900 रुपये प्रति कुंटल, वो किसान भाई यहीं हम आलू खुरपी 850 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से देखने को मिला। मंडोल में हमें 1% की बढ़त भी देखने को मिली। आलू खुरपी फुकराज की बात कर ले पानीपत के किसान भाई 830 रुपये प्रति कुंटल। वहीं सालनखा की बात कर ले आलू देसी 850 रुपये प्रति कुंटल, आलू खुरपी 3797 850 रुपये प्रति कुंटल। वहीं हम बात कर ले सिरसा हरियाणा के किसान भाई 820 रुपये प्रति कुंटल। आलू खुरपी के बाद में किसान भाई हम बात कर ले गन्नौर की, गन्नौर के मेरा 850 रुपये प्रति कुंटल 3797 खुरपी। वहीं हम बात कर ले वहीं आलू 3797 जब आदमपुर हरियाणा की 820 रुपये प्रति कुंटल। वहीं हम रेवती मंडी की बात कर ले 820 रुपये प्रति कुंटल हमें वही 3797 खुरपी आलू को रेट देखने को मिला। तो किसान भाई ये थी कुछ राज्य और उत्तर प्रदेश की आलू के अपडेट। अगर अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूले। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।